सद्गुरु, एक सवाल जिसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ कि अगर जीवन में संख्याएं नहीं होती, हमें संख्याओं के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो क्या मैं प्रकृति और जीवन के साथ अधिक लय में होता? नमस्कार प्रसून, आई नो। मैं जानता हूँ कि आप शब्दों के जादूगर हैं, आपको संख्याएं पसंद नहीं है। खैर, जैसे ही आपने कहा, मैं और तुम तो दो मौजूद हैं, या जब आप मैं कहते हैं तब भी एक होता है। जब एक होता है तो 10, 100, 1000, 1,000,000 उसके कुदरती परिणाम हैं। तो जिस पल आप मैं कहते हैं, आप एक संख्या बना चुके हैं। वो संख्या सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, समय क्या हुआ है, मैं कब सोया कब जागा। आप और मैं खुद में दो अंक हैं, तो मैं अपने आप में एक संख्या है। संख्याओं से परे होने का एकमात्र तरीका शून्य में होना है। योग का अर्थ है कोई संख्या नहीं। योग का अर्थ संख्या का ना होना इसलिए है क्योंकि योग शब्द का मतलब दरअसल मेल है, यानी ये अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाओं को मिटाने का विज्ञान है। अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाओं को मिटाने का अर्थ है कि अपनी मूलभूत संख्या एक, जो मैं हूं, वो खत्म हो जाए। जब आप एक को समाप्त कर देते हैं तो लाख अरब खरब का कोई अर्थ नहीं रह जाता, सब कुछ शून्य हो जाता है। तो योग का अर्थ है संख्याओं को मिटाना। योग का अर्थ है मेल। मेल का अर्थ है तुम और मैं नहीं, कई नहीं है, सिर्फ एक है, मगर एक नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका कई अलग अलग रूपों में जिक्र किया जाता है। इसे शून्य कहा जाता है, इसे शिव कहा जाता है, जिसका मतलब है वो जो नहीं है। वो जो नहीं है में संख्याएं नहीं हो सकती, सिर्फ वो जो है में संख्याएं होती हैं। तो संख्याएं भौतिक अस्तित्व का कुदरती परिणाम है। जब कोई व्यक्ति भौतिक अस्तित्व से परे हो जाता है तभी संख्या विहीन अस्तित्व होता है। जब हम किसी चीज को असीम कहते हैं तो हम उसे संख्या रहित भी कह रहे होते हैं। जब हम किसी चीज को अनंत कहते हैं तो हम सीमाओं के न होने की बात करते हैं। सीमाओं के न होने का अर्थ है कि एक या दो नहीं है। योग या मेल की पूर्ण अवस्था में ही संख्या विहीन अस्तित्व संभव है। हम इसी का प्रयास कर रहे हैं। अपने जीवन में मेरी ये कोशिश है कि मैं लोगों को संख्या विहीनता का अनुभव कराऊं। मगर शब्दों का जादू जारी रखिए। प्रसून, संख्याओं का जादू भी गणित के रूप में सुंदर है, जैसे शब्दों का जादू। शब्द और संख्याएं दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, क्योंकि एक शब्द का मतलब है कि कई सारे शब्द होंगे, एक संख्या का मतलब है कि कई सारी संख्याएं होंगी। ये सब अस्तित्व की भौतिक अभिव्यक्ति का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति भौतिक से परे हो जाता है तब हम सबसे विकृत हो चुके शब्द आध्यात्मिक का इस्तेमाल करते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ है एक संख्याहीन अस्तित्व।